नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू पूर्णिमा क्राफ्ट्स विला। आज बनाऊंगी लिपन आर्ट। तो मैंने एक सर्कुलर एमडीएफ बोर्ड ले लिया है। हैंगिंग के लिए मैंने पहले से ही एक हुक लगा लिया है। अब इसकी सेंटर निकालनी है, तो मैंने इसी मेजरमेंट की एक पेपर को कट कर लिया है। तो ये पेपर मैंने काफ़ी बार यूज़ कर चुकी हूँ, तो इसी के लिए इतनी सारी फोल्ड नज़र आ रही है। तो उसे हमें ऐसे फोल्ड कर लेना है और ये पॉइंट पोर्शन में एक लगा लेना है। तो ये हो गई हमारी बोर्ड की सेंटर। अब पेपर की एक फोल्ड को खोल लूँगी और इसमें मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये हो गई ये सर्कुलर बोर्ड की डायमीटर। तो मुझे एक बीचों बीच लाइन चाहिए, तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर लिया है। तो ये लाइन को मैं ठीक से ड्रॉ कर ले रही हूँ, थोड़ा डार्क कर लेना है। अब मैं ये एक स्केल बना ली हूँ, तो उसके होल्स में मैं ये पेन को रखती हूँ और जहाँ मुझे सर्कल बनानी है तो वहाँ मैं एक पेंसिल को रखकर इस तरह से घुमा लेने से वहीं पर मुझे सर्कल बन जाएगी। और अब मैं सेंटर में स्केल रख रही हूँ और इसके रेडियस उसके हाफ कर लूँगी। तो 8 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, तो 4 सेंटीमीटर में मैंने ये रख के 2 सेंटीमीटर के एक सर्कल ड्रॉ कर लूँगी। तो ये सर्कल मैं दोनों ओर ही ड्रॉ करूँगी, एक छोटी सी सर्कल। अब मैं ले लूँगी एक बड़ी सी कटोरी, बोल जो भी हो आपके पास ले लें, और ये हाफ सर्कल इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। तो मैं डायमीटर के एक दोनों तरफ अपोजिट साइड इस तरह से ड्रॉ कर ली हूँ। आप एक छोर से दूसरे छोर को मैं इस तरह से पेंसिल से इधर से फ्री हैंड ड्रॉ कर लूँगी। तो ये मेरी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं ले लूँगी ये मोल्डेड क्ले, ले लूँगी थोड़ी सी टैलकम पाउडर। मोल्डेड क्ले से मुझे दोनों पोर्शन सेम अमाउंट में लेना है और थोड़ी सी टैलकम पाउडर लेके हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तब तक मिक्स कर लेना है जब तक कि ये दोनों एक कलर का ना हो जाए। ये देखिए, तो अब इसे हमें कॉइल्स बना लेने हैं। तो हमें ले लेनी है एक फोम और उससे कॉइल्स बनाने से ये कॉइल्स यूनिफॉर्म थिकनेस की बनती है। अब बोर्ड पे मैंने जहाँ लाइन ड्रॉ किया है वहाँ मैं लगा लूँगी फेब्रिक ग्लू, और ये ग्लू के ऊपर अब ये कॉइल को हमें इस तरह से चिपका लेना है। अब हाथों से ही मैं इसकी शेप को थोड़ा ठीक कर ले रही हूँ, राउंड शेप की कर ले रही हूँ, और जहाँ जहाँ इसकी जॉइंट्स है तो वहाँ मुझे थोड़ा सा मेकअप करना है। दोनों कॉइल्स को अच्छी तरह से जोड़ लेना है और उसे थोड़ा सा दबा लेना है ताकि जॉइंट्स पता ना चले। अब कॉइल्स जब भी नर्म हो तभी हमें इसमें कुछ डिज़ाइन करना है, तो वो कर लेना है। तो अब मैंने फिर से ले लिया है ये मोल्डेड क्ले, उसे मैंने बेल लिया है बेलन से। अब एक फ्लावर शेप की कटर थी तो मैंने उससे फ्लावर शेप इस तरह से कट कर लिया है। ये अच्छे से निकल भी नहीं रही थी, तो मैंने ये छुरी का यूज़ करके उसे शेप दे दिया है। अब मैंने दो छोटे भी इसी तरह से कट कर दिए हैं, तो उसे भी अब मैं फेब्रिक ग्लू लगाकर बोर्ड पे स्टिक कर दे रही हूँ। अब फ्लावर्स में भी मैंने थोड़े थोड़े इस तरह से इम्प्रेशंस दे दिए हैं। तो मैंने जहाँ सर्कल बनाए थे तो छोटे छोटे, वहाँ मैंने दोनों फ्लावर्स को स्टिक कर दिया है इस तरह से। तो अब इसे थोड़ा दबा भी दे रही हूँ। तो मैंने फिर से वही मोल्डेड क्ले को फिर से इस तरह से बेल लिया है। अब मैं अलग अलग शेप के फ्लावर्स को इस तरह से कट कर लूँगी। तो ये कटकन सा काफ़ी अच्छी तरह से निकल आ रही है, और मैं थोड़े एजेस को अच्छी तरह से स्मूथ कर लूँगी। जो एक्स्ट्रा है उसे कट करके निकाल लेना है। तो इसे मैंने काफ़ी सारे बना लेना है, कुछ अलग डिज़ाइन भी बनाऊँगी। ये छोटी वाली स्टार शेप की फ्लावर, इसे भी मैं कुछ बना लूँगी। मुझे तो ये लिपन आर्ट बहुत पसंद है। मैं काफ़ी दिनों से सोच ही रही थी कि कुछ लिपन आर्ट बनाऊँ, और मेरे मन में कुछ डिज़ाइंस चल भी रहे थे आइडियाज़, तो फाइनली अब बना रही हूँ। तो बैक टू बैक 3 आने वाले हैं, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो डाला है। तो अब मैंने ये बोर्ड के बीच में भी थोड़ी सी हल्की सी ड्राइंग कर ली है, तो उसमें भी मैंने ये मोल्डेड क्ले को इस तरह कॉइल्स बनाकर इस तरह से स्टिक कर लिया है। बस इसमें मैं कुछ इम्प्रेशंस नहीं डालूंगी, बस ऐसे प्लेन ही रखूंगी। और लिपन आर्ट की ये डिज़ाइंस मेरे मन में बहुत दिन से चल रही है, और मैंने बोर्ड भी बहुत पहले ही खरीद के रखा है, बस बना ही नहीं पा रही थी। तो फाइनली अब बना रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने जो छोटे छोटे ये फ्लावर कट करके रखे थे तो उसे अब इस तरह से स्टिक कर लिया। तो ये मेरी क्ले वर्क ख़त्म हो गई है। ये देखिए, मैंने कंप्लीट कर लिया है इसे।
और ये तो ऐसे ही काफ़ी खूबसूरत लग रही है, तो अब मैं इसमें कलर करूँगी। तो पहले मैंने व्हाइट कलर ले लिया है, ये सभी मैंने एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। तो पहले मैं व्हाइट कलर कर लूँगी, एक कोट ड्राई हो जाए तो मैं इसमें फिर से सेकंड कोट थर्ड कोट अप्लाई करूँगी। तो एक तरफ मैंने तो व्हाइट कलर लगा लिया है, बस अब दूसरी तरफ मैं लगा ले रही हूँ ये मरून कलर। तो इसके भी पहले मैं एक कोट लगा लूँगी और इसे थोड़ी सी ड्राई करूँगी, फिर ये ड्राई होने के बाद मैं इसमें सेकेंड कोट अप्लाई करूँगी। फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करने बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मेरी अधिकतर क्राफ्ट वेस्ट मटेरियल रिलेटेड ही होती है, मैं हर तरह की घर की वेस्ट मटेरियल का यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आप एक क्राफ्ट लवर हैं या क्राफ्ट आपको पसंद है, तो रिक्वेस्ट करूँगी कि आप चैनल में जाकर मेरे अन्य वीडियोज़ को भी देखें। उम्मीद करती हूँ आपको सभी वीडियोस जरूर पसंद आएगी फ्रेंड्स। और एक ज़रूरी बात फ्रेंड, कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लगी मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपको अगर कुछ आइडिया या कुछ कहना हो तो वो भी मुझसे शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपकी कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बोर्ड के एज पे लगा लिया है गोल्डन येलो कलर, और गोल्डन का टचअप भी दे दिया है मैंने फ्लावर्स पे। अब मैंने ले लिया है मिरर्स, और ये काम मुझे लिप्पन आर्ट में सबसे ज़्यादा पसंद है। तो पहले मैं ले लिया है ये राउंड शेप की मिरर, तो ये जो सर्कल है मैं वहाँ राउंड शेप की मिरर को लगा लूँगी। तो बस मैंने फेब्रिक ग्लू का ही यूज़ किया है, आप फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मिरर्स जैसे जैसे लगाते जाती हूँ तो ये ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत होती जाती है। और तो ये देखिए, मैंने साइड्स में भी मैंने ट्रायंगल शेप के मिरर्स लगा लिए हैं, ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। अब इसकी खूबसूरत कैसी बढ़ेगी ये भी आप देखिए। तो यहाँ मैंने लगा लिया है टॉप शेप की मिरर, ये बड़ी साइज़ की है, और यहाँ मैंने आई शेप की मिरर लगाई। तो मिरर्स लगाने के पहले मैं काफ़ी सोच में पड़ जाती हूँ कि कौन सी जगह कौन सी मिरर्स लगाऊं तो ये इसकी ये ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो काफ़ी सोच विचार करने के बाद ही मैं मिरर्स लगाती हूँ। तो अब ये फ्लावर पे मैंने राउंड शेप की मिरर लगा ली है, और यहाँ मैंने लगा रही हूँ ये छोटे आई शेप की मिरर है। अब बाहर की साइड मैंने ट्रायंगल शेप की मिरर को ये हार्ट शेप के बीच बीच में एक ट्रायंगल शेप की मिरर लगा ली है, थोड़ी खाली लग रही थी। हार्ट शेप के ऊपर मैंने एक मैरून कलर की डॉट भी लगा ली है। तो ये हो गई इसकी फाइनल लुक फ्रेंड्स। तो आपको मेरी ये लिप्पन आर्ट कैसी लगी मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर भी कीजिए, और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।